हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी हमारे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में सैंड स्टोन के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट टू वीडियो है, जिसमें हम मैथड ऑफ स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पार्ट वन वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जिसमें हम स्टोइंग क्या होता है, नीड ऑफ स्टोइंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखे थे। इसमें हम मेथड ऑफ स्टोइंग के बारे में देखेंगे। पहला हमारा हैंड पिक पैकिंग, दूसरा मैकेनिकल स्टोइंग, तीसरा पैनोमेटिक स्टोइंग और चौथा हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारा हैंड पैकिंग, तो हैंड पैकिंग के बारे में देखते हैं हम। हैंड पैकिंग इज़ अ सिंपल एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व कैपिटल कॉस्ट बट हैविंग लिमिटेड स्कोप एंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन फैक्टर फॉर इफिशेंसी। ये हमारा सबसे सस्ता विधि है, ज़्यादा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, सिंपल है और ये बहुत कम जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम जो वर्कर्स होते हैं उनकी इफिशेंसी पे होता है, क्योंकि वही सैंड को उठाएंगे और फिलअप करेंगे गोफ एरिया पे। इन दिस मेथड नो मशीन आर रिक्वायर्ड। इस विधि में हमारा कोई भी मशीन यूज़ नहीं करते हैं, पूरा वर्क मैन पावर या वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। दिस मेथड इज़ लिमिट एंड यूज इन दोज माइंस वेयर हाइड्रोलिक स्टोइंग इज नॉट पॉसिबल। ये विधि को तब अडॉप्ट किया जाता है जिस माइंस में हम हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज स्लोली एंड हैवी मैन पावर। ये बहुत धीरे 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 होता है, टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। स्लोली मेथड है और मैन पावर ज़्यादा लगता है। इन दिस मेथड द सैंड विल फिल अप बाय द हेल्प ऑफ टब एंड सैंड आर फिल्ड बाय लेबर वर्क अंडर इट फॉर इफेक्टिव एंड 100% इफिशेंसी वर्क आर नॉट पॉसिबल बाय दिस मैथड। सो दिस मैथड इज़ नॉट यूज फॉर जनरली इन माइंस। ये मैथड 100% इफिशेंसी नहीं है, क्योंकि वर्कर्स के कार्य क्षमता के आधार पर चलता है ये मैथड। वर्कर्स जितना कर पाते हैं उतना ही पॉसिबल हो पाता है, तो इसलिए इसे 100% इफिशेंसी नहीं हो पाती है, इसलिए यह ज़्यादातर माइंस में यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा मैथड है हमारा मैकेनिकल स्टोइंग। इट इज़ अ चीपेस्ट मेथड ऑफ स्टोइंग। इसमें बहुत सस्ता विधि है, ये सस्ता मेथड है जिसमें लेस कैपिटल कॉस्ट लगता है, हमारा कम पैसा खर्च होता है। द नंबर ऑफ मैनशिप ऑफ रूफ कैन कंट्रोल 100 टन्स ऑफ कोल प्रोसूड इन द लीस्ट। इस विधि से हम ज़्यादा लोड को बियर कर सकते हैं। इन दिस मैथड स्टोइंग मटेरियल इज पैक इन टू द गोफ एरिया विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट। इस मेथड में मैकेनिकल स्टोइंग में हम फेस तक बेल्ट कन्वेयर को बैठाते हैं, जिसमें हमारा सैंड मटेरियल आके फेस में उसे फेंकता है और वहाँ पर फिलिंग करता है। द मटेरियल हैज़ बिन डिफ्लेक्टेड ऑन द थ्रोअर बेल्ट बाय डिफ्लेक्शन प्लेट नोन एज स्क्रैपर प्लग विच ड्रॉप द मटेरियल इन टू द हैपर अबव द हाई स्पीड स्टोइंग बेल्ट। हमारा वहाँ स्क्रैपर प्लग लगा रहता है, जो हमारा मटेरियल को हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर में डालता है और बेल्ट कन्वेयर से वो हमारे गोफ एरिया जहाँ पर हमको फिलिंग करना है वहाँ पर उसे फिल करता है। द थ्रोअर बेल्ट इज माउंटेड ऑन अ ट्रेवलिंग कार्टेज एंड इट वाइड इज 660 मीटर। जिसकी लेंथ होती है वो 660 मीटर तक होती है थ्रोअर बेल्ट की। ड्रम ड्राइविंग रोटेशन इज 1000 RPM। जो हमारा उसका रोटेशन होता है बेल्ट का, उसके ड्रम का रोटेशन होता है 1000 RPM के घूमता है वो, मतलब बहुत हाई स्पीड में रहता है। वेलोसिटी ऑफ हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर 600 मीटर पर मिनट, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बेल्ट में थ्रो करता है। ड्राइविंग मोटर 2.5 to 40 HP तक होता है।
The mechanical is doing 50 to 60 ton per hour of stowing will be done. In mechanical stowing, 50 to 60 ton per hour of stowing will be done. Its disadvantage is that the prop free front cannot be planned. लेंथ ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज़ अबाउट 1 मीटर. जो हमारा बेल्ट कन्वेयर की लेंथ होती है वो विड्थ होती है वो 1 मीटर की होती है. एप्लीबिलिटी क्या है? इन दिस फ्लैट सीम और स्लाइस ऑफ 1.3 to 2.3 मीटर ऑफ थिकनेस इसे टैबड और फ्लैट सीम में अडॉप्ट किया जाता है जिसकी थिकनेस 1.3 to 2.3 मीटर तक होती है. द रूफ कन्वर्जेंस इज मोर कंपेयर टू द पेनोमेटिक स्टोइंग. जब उसके रूफ की कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेनोमेटिक स्टोइंग. अब हमारा नेक्स्ट मेथड है, सॉरी उसके मैकेनिकल स्टोइंग की डिसएडवांटेज को देख लेते हैं. हाई यूज़ ऑफ फ्यूल, उसको घुमाने के लिए बहुत फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है. टाइम कंज्यूमिंग भी है. सैंड डज नॉट गेट प्रेस्ड. इसमें जो सैंड होता है वो प्रेस्ड नहीं हो पाता है. मतलब हम बेल्ट कन्वेयर बिछाए रहते हैं, बेल्ट से सैंड आता है उसको गोफ में बस गिरा देता है, उसको प्रेस्ड नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता है. मतलब उसमें दबाव नहीं किया, प्रॉपर फीलिंग नहीं हो पाती है, बस वहाँ गिरा रहता है. नेक्स्ट हमारा है पेनोमेटिक स्टोइंग. तो पेनोमेटिक स्टोइंग क्या होता है? दिस मेथड इज़ नॉट यूज इन इंडिया. ये हमारे इंडिया में नहीं यूज़ किया जाता है बिकॉज क्योंकि ये कॉस्टली है. कॉस्टली हमारा हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग मेथड से भी एक कॉस्टली मेथड है पेनोमेटिक स्टोइंग, इसलिए इसे हमें इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया जाता है. द क्रशर मटेरियल पास फ्रॉम द क्रशर थ्रू 65 mm टू 75 mm अपार्ट. इट एग्जांपल स्क्रीनिंग टू द स्टोरेज बंकर. इन पेनोमेटिक स्टोइंग मेथड अ बिग टब्स आर यूज इन विच स्मॉल फाइन होल्स आर मेड ऑन द बेस ऑफ द टब. इसमें क्या होता है, हम जो टब रहता है उसके बेस में फाइन होल बना देते हैं जिससे हमारा मटेरियल नीचे गिरता है और साइड में कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं को थ्रो करते हैं जो हमारे मटेरियल को गोफ एरिया में फिलअप कर देता है और वो पूरा कंप्रेस्ड रहता है, उसमें दबाव रहता है. एंड द टब आर एडजस्टेड एट सर्टेन हाइट ऑफ विच कंप्रेस्ड एयर आर हैविंग सुटेबल एरिया. इन दिस टब अ फाइन सैंड मटेरियल आर फिल्ड एंड इट फॉल डाउन थ्रू द होल्स इन द बेस ऑफ द टब एंड फॉलिंग ऑफ सैंड इज पर्टिकुलर रेट. कंप्रेस्ड एयर मशीन आर फिटेड डाउन द टब विच कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन एरिया. जैसा कि मैंने बोला था कि टब के नीचे फाइन होल रहते हैं और उसके बगल से हमारा कंप्रेस्ड एयर भेजा जाता है जिससे हमारे जो मटेरियल है वो कंप्रेस्ड होके गोफ एरिया में फिलअप हो जाता है. इसका मेन यही होता है वर्किंग. बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर द सैंड आर कंप्लीटली पैक्ड अंडर द वॉइड. अंडर इट नो वॉइड स्पेस आर लेफ्ट बिटवीन द स्टोइंग पैकिंग. इसमें कोई गैप नहीं होता है क्योंकि हमारा जो सैंड होता है प्रॉपर कंप्रेस्ड हो जाता है एयर के थ्रू, पूरा प्रॉपर फिलिंग होती है. इसलिए ये हमारी एयर और सबसे मेन है कि हमारा कॉस्टली है बहुत, इसे हर माइंस में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है. डायमीटर ऑफ सरफेस पाइप 200 mm टू 300 mm डायमीटर का होता है सरफेस पाइप का. द सरफेस एयर कंप्रेसर इज मल्टी स्टेज हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी 55 to 85 meter cube ऑफ फ्री एयर पर मिनट. जो हमारा कंप्रेस्ड एयर का रहता है वो 55 to 85 meter cube तक फ्री एयर पर मिनट सर का था. पावर कंज्यूमिंग 400 to 600 hp एंड कंप्रेस्ड द एयर टू नियरली 6 kg/cm². जो वो कंप्रेस्ड करता है एयर नियरली 6 meter cube 6 kg/cm². द साइज ऑफ स्टोइंग पाइप इज 10 mm थिक.
लेंथ 3 मीटर, मेड अप ऑफ कार्बन स्टील। जो स्टोइंग पाइप रहते हैं वो 10 मीटर ठीक रहते हैं, उसकी लेंथ 3 मीटर तक होती है और वो कार्बन स्टील के बने रहते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। इसके एडवांटेज है, बाय कंप्रेस्ड एयर अ बेटर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। डिसएडवांटेज है, इन दिस मैटर ऑब्स्टिकल आर ऑकर्ड विच अफेक्ट द एयर वेलोसिटी। हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द टब हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉज टाइमलेस। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, क्योंकि टब को बार बार हटाना पड़ता है, फिर उसको फिलिंग करनी पड़ती है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा मेथड है हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग क्या के बारे में देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्टोइंग इज जनरली अडॉप्टेड इन माइंस ऑफ इंडिया। ये हर माइंस में अडॉप्ट किया जाता है, इंडिया के ज़्यादातर माइंस में। इन दिस मेथड सैंड आर ट्रांसपोर्ट इज डन बाय मिक्सिंग ऑफ वाटर बाय सैंड मटेरियल, स्टोइंग मटेरियल सैंड। इस विधि में हम क्या करते हैं, सरफेस से ही सैंड और वाटर का मिक्सर बना के गोफ एरिया में भेजते हैं ड्यू विद द हेल्प ऑफ पाइप्स, ठीक है। और फिर वहाँ पर सैंड फिलिंग हो जाता है और वाटर वहाँ से वापस ऊपर ले लिया जाता है, पंप अप कर दिया जाता है उसे। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग ऑफ मटेरियल आर, मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, अ मटेरियल शुड हैव सॉल्युबल इन वाटर। वो जो मटेरियल है उसे कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो मटेरियल वो सॉल्युबल होना चाहिए। तो हमारा सैंड सॉल्युबल रहता है वाटर में और इजीली सेपरेट हो जाता है। कैपेसिटी टू फ्लो विथ वाटर, मतलब उसकी क्षमता होनी चाहिए कि पानी के साथ वो बह जाए। द साइज़ एंड शेप एंड वॉल्यूम इक्वल, शेप साइज एंड वॉल्यूम उसकी इक्वल होनी चाहिए। तीसरा, द मटेरियल लाइक सैंड एंड वाटर प्रोवाइड एट चीपर, और वो मटेरियल सस्ता होना चाहिए कि ईजिली अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि हमको वहाँ बस फिलअप करना है, स्टोइंग करना है, उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो ये मेथड है, देखिए, जैसे कि वाटर मीटर दे रहा है, सरफेस है, सरफेस पे सैंड है, सैंड में हम सैंड और वाटर को मिक्स किए और बोर होल के थ्रू हम पाइपलाइन से उसे भेजे जहाँ पर हमें फिलअप करना है गोफ एरिया में, और फिर वहाँ से फिर पंप अप करके वाटर को ऊपर ले लिए, वहाँ पर सैंड वहीं जम जाएगा। ये हमारा मेन है हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग का, ये आउटलाइन है सैंड स्टोइंग ऑफ प्लांट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं एप्लीबिलिटी कंडीशन ऑफ फॉर सैंड, हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग। पहला, डेप्थ ऑफ सीम। डेप्थ ऑफ द माइंस शुड बी 80 to 100 मीटर। माइंस शुड बी नॉट लार्ज डेप्थ, मतलब जो हम हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग को 80 से 100 मीटर डेप्थ वाले माइंस में यूज़ करते हैं, वहीं पर हम इस मेथड को ले सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रोफाइल, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी शुड बी 1 in 7 और नॉट मोर देन इट। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी शुड बी लेस इन माइंस बिकॉज नो प्रॉब्लम फेस बाय वर्कर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो वर्कर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वाटर अवेलेबिलिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सोर्स शुड बी नियर द माइंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एबल फ्रॉम द माइंस एरिया। मतलब माइंस के पास बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर होना चाहिए और इसके ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाना चाहिए। सैंड एबिलिटी, सैंड शुड बी नियर द अबाउट 16 किलोमीटर के आसपास एरिया में ही हमारा सैंड अवेलेबल होना चाहिए। इफ सैंड शुड बी अ लार्ज डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज शुड बी ओकर। अगर हमारे 16 किलोमीटर से ज़्यादा है होगा तो फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज लगेगा, तो हमारे सैंड स्टोइंग बहुत एक्सपेंसिव कहलाएगा, उस केस में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। फैक्टर है, सैंड मटेरियल आर नियर अबाउट 16 किलोमीटर फ्रॉम द माइंस, माइंस 16 किलोमीटर होना चाहिए। रूफ़ एंड फ्लोर ऑफ द सीम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, जो हमारे रूफ़ और सीम, रूफ़ और फ्लोर होना चाहिए वो वाटर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सीम नॉट बीइंग वेरी डीप, सीम ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इज़ नॉट मेजर प्रॉब्लम, ह्यूमिडिटी बहुत
बड़ा मेजर नहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो। माइंस आर यूजली एट द डेप्थ एक्सीड 100 मीटर एंड द सीम आर इंक्लाइंड। और एक मेन है, इफ़ द सीम इज़ अ लो डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस द हाइड्रोलिंग स्टोइंग शुड नॉट बी पॉसिबल। अगर हमारा सीम बहुत ही कम गहरा है, मतलब बहुत पास में है, तो हम वहाँ पर इस मेथड को नहीं अवेलेबल करेंगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी हमारे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे।